गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गेम पैड को आप GTA 5 के साथ कैसे यूज़ कर सकते हो अगर आप जाते हो मेरे जैसे जो मैंने गेम पैड खरीदा है उस गेम पैड की तरह। तो चलिए शुरू करते मतलब लेट्स गो। तो आ चुके हैं हम हमारे मेन गेम में। अब चलता हूँ मैं बताता हूँ कंट्रोल। जो आपका फर्स्ट जॉयस्टिक है उससे आपका बंदा आगे की तरफ चलेगा और जो आपका सेकंड जॉयस्टिक है उससे आपका बंदा कुछ इस तरीके से कैमरा एंगल आपके बंदे का चेंज होगा। ठीक है, अब जो ए बटन है उसको और आपकी जॉयस्टिक को दबाओगे तो ये ऐसा आगे की तरफ भागेगा जैसा मैं दिखा रहा हूँ। ये देखो ऐसा आगे की तरफ भाग रहा है। एक्स बटन से जंप करता है, ये देखो एक्स से जंप कर रहा है। ठीक है, अब जो हमारा बी बटन है ये इससे पंच करेगा। ये देखो पंच और शूट दोनों के काम आता है। और जो अपना बटन है आर टी से भी ये कुछ इस तरीके से पंच करेगा, ये देखो ऐसा। और एल टी का फिलहाल यहाँ पे कोई काम नहीं है। ये देखो जैसे मैं अभी ये दबा रहा हूँ एल टी को, ये धनाधन धनाधन कोई काम नहीं आ रहा है एल टी का। और जैसे ही मैं गन स्विच करता हूँ जो आर एल बी से होगा तो इस तरीके से गन स्विच होगी डी पैड से। तो ये देखो अब मैंने जैसे ही एल टी दबाया वैसे ही आपका उसने गन खोल ली। मतलब जैसे देखो गन दिखा रहा है ये, ऐसा एम शुरू कर दिया। एम के लिए बटन यूज़ होता है। और जो आपका एल टी और बी है आर टी और बी है उससे आप आपका बराबर वैसा देखो चेंज कर सकते हो। और जो एल बी बटन है वो आपके कवर लेने के काम में आएगा। देखो मैं कवर ले रहा हूँ। और जो अब आपका स्टार्ट बटन है उससे ऐसा पॉज मेन्यू खुल जाएगा। अब आप मार्क कर सकते हो ए पे, मार्क ए से मार्क कर सकते हो। जैसे अभी मेरे गैरेज पे मार्क कर रहा हूँ, ये देखो ए से मैंने मार्क किया और ए से वापस रिमूव होगा और लग जाएगा। बी दबाऊंगा तो वापस हो जाएगा। अब बताता हूँ बैक बटन का क्या काम है। जैसे ही मैं बैक बटन दबाऊंगा, देखो अभी दबाता हूँ, ये बैक बटन दबाया मैंने तो ये कैमरा एंगल चेंज हो रहा है जैसे मैं बता रहा हूँ आपको। ये देखो फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, इस पर आप स्विच कर सकते हो। और ये जो डी पैड्स के बटन है इससे आप आपके फ़ोन को खोल सकते हो। देखो मैं दिखाता हूँ, इस तरीके से आपके फ़ोन को खोल सकते हो आप। और अब आ जाते हैं अपने वाई बटन के ऊपर। तो वाई बटन से आप आपकी गाड़ी में बैठ पाओगे। ये देखो कुछ इस तरीके से जैसे मेरा बंदे गाड़ी में बैठा दिया मैंने। अब जो आपका आर टी बटन है उससे एक्सेलरेट होगा वो भी बताता हूँ मैं। अब ये देखो इस बटन से आपका फ़ोन खुलेगा ही खुलेगा। और इस बटन को दबाओगे आप तो ये देखो इस बटन को दबा रहा हूँ मैं तो बराबर आपका लाइट्स चेंज हो रही है। और आपको आपका रेडियो ऑफ करना है तो राइट वाला जो बटन है वो दबाओ। देखो राइट वाला बटन है, ये देखो अब इससे आपने आपका रेडियो चेंज स्विच कर सकते हो। अब दबाते हैं अपने आर टी को, तो देखो आर टी से ये एक्सेलरेट हो रहा है कुछ इस तरीके से। देखो मैं थोड़ा और दबा के रखता हूँ। और जो आपका जॉयस्टिक है उससे आप कर पाओगे। और एल टी से ये डी एक्सेलरेट होगा, ये देखो इस तरीके से। ठीक है, तो और जॉयस्टिक से ऐसा कंट्रोल होगा इधर उधर करना जैसे आप बंदे को ऐसे ही नॉर्मल वॉक करते हो तब होगा। ये देखो ये मैं भगा रहा हूँ। ओ शिट मैंने क्रैश कर दी, कोई बात नहीं, नाइस था ये। देखो अब इससे एंगल और चेंज हो रहा है, एक्सेलरेट डी एक्सेलरेट, ये देखो एंगल चेंज हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं अपने एल बी की। तो एल बी से गन खोल लेगा, देखो इस तरीके से गन खोल रहा है ये। और जो आपका आर बी है इससे ये शूट करेगा। ठीक है, और जो एक्स बटन है आपका उसको दबाओगे तो आप देखो इस तरीके से गन स्विच कर सकते हो बटन दबाने से। ये देखो इस तरीके से गन स्विच हो रही है मेरी, जैसे मैंने अभी ये ले लिया अंडर आर्म और ये गोलियां हो गई तो ये कुछ इस तरीके का होगा। जो बी बटन है आपका वो आपका है सिनेमैटिक विजन। तो देखो मैं सिनेमैटिक विजन में भी ट्राई करता हूँ गाड़ी चलाने की, चला पाता हूँ कि नहीं, लेट्स सी क्या होता है हमारे साथ। नहीं, ओके ठुका गए, कोई बात नहीं ठुका गए। ठीक है, अब जो आपका बटन है वाई इससे आप वापस आ जाओ, वापस गाड़ी में बैठ जाओ। ठीक है, हो गया है और ये नोटिफिकेशन आया, कोई बात नहीं, लेट्स इट गो। अब इसने ही क्रैश करा हमें। अब इस बटन से देखो आप बराबर आपका किधर उधर जाना है उधर ड्राइव कर सकते हो। ये देखो ऐसा जैसे मैं ड्राइव करके बता रहा हूँ आपको, ये देखो ये मैंने ठोक दिया, ये मैंने एंगल चेंज किया, मैं चला रहा हूँ गाड़ी को मस्त एकदम। तो कोई भी तरीके का लैग नहीं है इस गेम पैड में। और जो आपका ये बीच वाला बटन है इसका कोई काम नहीं है। अब देखो टर्बो बटन दबा के रखोगे और फिर उसके बाद आपको पीछे वाला बटन दबाना है तो ये देखो कुछ इस तरीके से खुल जाएगा।
सॉरी मेरा काम नहीं कर रहा है, मैं वापस से टर्बो बटन दबा के रखता हूँ। तो ये देखो नीचे लाइट जल रही है, मैं दिखा देता हूँ, ये देखो लाइट जल रही है। अब आपको K1 और K2 बटन्स को दबाना है और कोई से भी एक को सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने A सिलेक्ट कर लिया कभी, या BX कोई भी सिलेक्ट कर लिया बटन मैंने, बस ये AXB पे ही काम करेगा, इन बटन्स पे काम नहीं करेगा। तो मैं दो बटन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, X, A और B को, ठीक है। तो अब जैसे ही मैं गाड़ी को चलाऊंगा और वापस उस K2 को भी दबाना है आपको टर्बो मोड के लिए। तो अब जैसे ही दबाओगे देखो ये दोनों की मेरे काम करने लग जाएंगे। जैसे आपके हाथ उतनी दूर तक नहीं जा पा रहे हैं, आपको बिल्कुल क्विक एक्शन चाहिए तो आप उसको यूज़ कर सकते हो टर्बो की को। ये देखो ये सब बटन दबा रहा हूँ ना, तो वो मल्टी स्विच हो जा रहा है, ये होना नहीं चाहिए था क्योंकि मैंने दोनों को एक साथ दबा दिया, तो वो दोनों का काम करने लग गया है अपना K1 और K2, ठीक है। तो इससे आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। ये देखो इस तरीके से हो रहा है अपना साथ, ऐसी दिक्कत हो रही है, कोई नहीं। अब ये देखो जो अब मैं बात करता हूँ अपने RB बटन की विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ एम। तो RB बटन आप जैसे ही दबाओगे वैसे ही आपका लग जाएगा हैंड ब्रेक, और स्पीड ब्रेक भी बोल सकते हो, बहुत जल्दी से रुक जाएगा बिल्कुल इमीडिएट। अगर आपको ड्रिफ्ट मारनी है गाड़ी के साथ तो आप इस बटन को दबा के ड्रिफ्ट कर सकते हो। मैंने तो नहीं मारी क्योंकि मेरे से हुआ नहीं है। ये देखो ये बटन दबा रहा हूँ मैं, देखो ऐसा धुआं निकल रहा है, बिल्कुल मस्त सा चल रहा है। तो ये आगे ऐसा चलेगी गाड़ी इससे, ये देखो मैंने इससे क्रैश कर दिया अभी। और बस कुछ यही है हमारे कंट्रोल्स, बेसिक से कंट्रोल्स ही है। और अब अगली आने वाली वीडियो में आपको मैं इसके साथ गेम प्ले करूँगा, और अब आपको फ़ोन के साथ भी मैं अगली वीडियो में इसको कैसे यूज़ करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, और सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलूँगा इस बार मैं, और लाइक एम रखते हैं 55 लाइक्स का, 55 लाइक्स का एम करते हैं, और बस कर दो 55 लाइक्स। तो यार अब मैं भी जा रहा हूँ अपने फ़ोन को पंखे से उतारने के लिए, तो अगर वो गिर गया तो मेरे को पट्टे से चप्पल पड़ जाएगी। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।